पिछड़ों के सम्मान में हमारी पार्टी ने जिनके घर जल गए थे उसको 50,000 रुपए देने का पार्टी की ओर से फैसला था, जो जख्मी हो गए थे 25,000। मैं वहां से लौट कर आई, लेकिन मेरे लौटने के बाद वहां पर एक दलित की हत्या कर दी जो वो अपने घर में जा रहा था, लोगों को जुर्म जाति का शिकार बनाया गया। लेकिन जब मैं दिल्ली वापिस लौट कर आ गई तो मैंने जब वहां पर चेक भी दिलवाया 60-70 लोगों के चेक भी दिलवाए 50,000 और 25,000 के, आप लोगों को ये जानकर आप लोगों को ये आश्चर्य होगा कि वहां के DMSFP ने हमारी पार्टी के लोग उस गांव में नहीं गए, जो सफर थे दुखी पीड़ित लोग थे उनको सहारनपुर पार्टी का जो दफ्तर था वहां बुलाया गया और उनको कहा कि आप इधर आ जाओ, हम आपको ये ड्राफ्ट दे रहे हैं। तो उनको वहां पर सबने मांगे थे जो जिनको ड्राफ्ट देना था, लेकिन वहां के DMSFP मौके पर पहुंच गए, उन्होंने बोला आपको ड्राफ्ट नहीं दे सकते, हमारी परमिशन से ड्राफ्ट देंगे, यानी कि हम अपने लोगों की मदद भी उनकी परमिशन से करेंगे। वहां के DMSFP ने 15-16 दिन तक ड्राफ्ट नहीं देने देने दिए। उसके बाद फिर हमारे पिछड़ों के सम्मान में
अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। मैं उनसे आदर पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने शब्दों से लाभान्वित करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आदरणीय बहन जी, शांति के साथ अपने अपने स्थान पर बैठेंगे।